और किस्सा भी होगा सेठ ताराचंद का। वाह। उस समय की बात, दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े सेठ रहा करते थे जिनका नाम था सेठ ताराचंद। इतना पैसा था उनके पास कि कोई था नहीं थी, खुद उन्हें नहीं पता था कि कितना पैसा है। जिस जमाने के अंदर लोग एक एक पैसे के लिए तरसते थे, उस जमाने में सेठ ताराचंद के समुद्र में पानी के जहाज चला करते थे। इतना दान पुण्य किया करते थे जिसकी कोई हद नहीं। पड़ोसी एक सेठ था जिसका नाम था हरिराम। वो हरिराम सेठ ताराचंद सेठ की तरक्की से बहुत ज्यादा ईर्ष्या किया करता था, जलता था। एक रोज उसने ये सोचा कि शायद ये जो दान करता है ना, ये इसे ज्यादा फलता है, क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिससे इसकी तरक्की बंद हो जाए। सेठानी के पास गया और न्यू कहने लगा कि सेठानी देख, मैं तो तुम्हारा हमदर्द हूँ, हमदर्दी में आया हूँ, अगर कुछ बात समझाऊं तो मान लोगी। सेठानी ने हाँ बोल दिया। तो सेठ हरिराम सेठानी के पास जाके ये कहने लगा कि तुम्हारा पति जो दान पुण्य करता है ना, इसे बंद करवा दे। क्यों? सोच कि तुम्हारे पास इतना पैसा तो जब है कि तुम दान में लुटाते रहते हो, अगर इस दान को बंद कर दोगे तो कितना धनमाल तुम्हारे पास हो जाएगा। बस सेठानी की बुद्धि फिर गई और सेठ को आते यही प्रस्ताव रख दिया कि आज से दान पुण्य मत करो। प्रेमी सज्जनों, औरत के आगे मजबूर हो गया इंसान। जब दान पुण्य बंद किया तो ईश्वर ने ऐसी नजर फेर ली कि जिस इंसान के पास पैसे की था नहीं हुआ करती थी, आज एक निवाला उसके घर में नहीं है। उसका एक मित्र था मनसा सेठ, जो हापुड़ में रहता था। हापुड़ पड़ता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उसके पास गया सेठानी। एक दिन का वो दिन आया कि जब बेटा दूध की जिद करने लगा और दूधिया से जब सेठ ने दूध मांगा तो दूधिया ने मना कर दिया। ये कह दिया कि 200 रुपए पहले हैं, उन्हें पटा, जब दूंगा और दूध। बस प्रेमी सज्जनों, दिल में घाव हो गया, एक निवाला घर में खाने के लिए नहीं है। ये कहने लगी कि सेठानी कि स्वामी अब तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, अपने इकलौते बेटे को तुम गिरवी रख के आ जाओ, या तो ऊपर वाला इंसान का जन्म ना दे, और दे तो फिर इतना बुरा टोटा ना दे कि जितना सेठ ताराचंद के पास आ गया था। प्रेमी सज्जनों, इकलौते बेटे को लेके हापुड़ में मनसा सेठ के पास पहुंचा तो ये कहने लगा, भाई नाटना मत, मैं जिस काम के लिए आया हूँ मना मत कर देना। कि मतना नाटे सेठ रुपए, आज 200 की हाँ भर ले। बिल्कुल। अरे मैं नहीं उधारे मांग रहा, मेरा बेटा गिरवी भर ले। प्रेमी सज्जनों, आंखों में आंसू आ गए मनसा सेठ के। न्यू कहने लगे कि यार बता, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तेरे पास इतना टोटा आया है। तो न्यू बोला कि यार पूछे मत, क्या ना पूछूं, अगर जानना चाहता है तो सुन, सारी व्यथा बताता हूँ। यहाँ के बोल पंडित लक्ष्मीचंद जी ने क्या लिखे हैं, सुनिए क्या बताया। सारा मेरा है, मेरी करनी का है ये, और किसे का दोष नहीं, सर करड़ाई का फेरा, करड़ाई का फेरा, परदेसा ते चिट्ठी आई, परदेसा ते चिट्ठी आई, बिगड़ लिया मेरा, और किसे
होते हैं लेकिन जब बनी बन के बिगड़ जाती है तो फिर दुश्मन हजार होते हैं। जो यारे प्यारे थे दिन रात जो पास बैठते थे, आज बुरे समय में सब किनारा कर गए, कोई पास नहीं आता सेठ ताराचंद के। तीसरी कली में क्या कुछ लिखा सुनिए, क्या बताया बता दे। ये बात है, बनिए की जात थी। वैसे कहते हैं कि बनिया कोई जात नहीं होती, बनिए का मतलब होता है बन जाओ, कुछ ना कुछ बनिए, यही होता है बनिया।
बनिया सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नुकसान हो गया तो प्राण त्यागने के लिए तैयार रहता है। बताया आर्य थी बनिए की जात चोट ने, थी बनिए की जात चोट ने, थी बनिए की जात चोट ने, पेट पकड़ के खेगे जितने मिंतर प्यारे थे सब सौ सौ ताने देंगे। धर्म गंगा में नहाने आले ने पाप नीर ते भेगे, जितना धन बाकी था उसे भी भाई चोर काट के ले गए, चोर काट के ले गए। अरे कदे कदे ते नामी थारे, कदे कदे ते नामी थारे, तारा चंद का तेरा और किसे का देश नहीं, सर कर राई का फेरा, कर राई का फेरा। कमाई और सौ का टोटा बड़ी जा, सूड़े दीवाड़ा लिकड़न की जिम्बा सहम सांप सा लड़ जा, कह लक्ष्मी चंद कुल रीत तजेते सारा नक्शा जड़ जा, सारा नक्शा जड़ जा।